वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने दिखते हैं, पास जाने पे उसकी कर्कशता का एहसास होता है। ऐसा ही कुछ है हम इंडियंस के साथ जो हम बाहर रहते हैं। बाहर आते हैं अपने देश को छोड़ के विदेशों में जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए, तो लोगों को लगता है कि जो बाहर रह रहे हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है और बहुत हैपनिंग है और सबसे अच्छी लाइफ वही जी रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ऐसा इंडिया में लोगों को लगता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि न्यूरोप, और मैं हूं निधि आपके साथ। और मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप किसी की फेसबुक पोस्ट देखते हैं या किसी का इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं, तो उसमें लोग अपने लाइफ का बेस्ट पार्ट डालते हैं, तो उससे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितना इन्जॉय कर रहे हैं ये। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डार्क हैं यहाँ पर जो हम फेस करते हैं तब यहाँ पर रह पा रहे हैं। मेंटली स्ट्रगल करना पड़ता है, कई जगह फिजिकली स्ट्रगल करना पड़ता है, जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, साथ में एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस कारण से फिर हम यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जब आप आते हैं, तो आप इंडिया में, आपको आदत होती है, लेबर की आदत होती है, आपके घर में काम वाली आती है, खाना बनाने वाली आती है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आप ये सब सारी चीज़ें भूल जाइए। आपको यहाँ आते ही बिल्कुल फिट रहना पड़ेगा, सारा काम आपको घर का करना ही पड़ेगा, चाहे आपको कैसा भी लगे। आपको घर की सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा, बर्तन, इवन खाना बनाना खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लेबर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप कभी कभी बुला सकते हैं घर में काम के लिए, बट हमेशा एवरीडे के लिए आप यहाँ पे हायर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है लेबर कॉस्ट यहाँ पर। तो ये मेन आपके साथ स्ट्रगल यहाँ पर होने वाला है। साथ ही आपको यहाँ पर कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन भी खुद ही बनना पड़ेगा सम टाइम। कभी कभी बहुत इमरजेंसी है, जब आपसे नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली आपको बुलाना पड़ेगा और खर्चा करना पड़ेगा। तो जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे तो हमको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हमने कभी इंडिया में ये सब फिटिंग करने वाला काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, ये सब कभी किया नहीं था। हम जब आए तो यहाँ पर हमने कुछ फर्नीचर बाय किया था, तो हमने उसको फिट करने का ट्राई किया बट हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाया। उसके बाद फाइनली हमने उसको फिट करने के लिए बुलाया, तो उसने हमसे 200 यूरो चार्ज किए थे, एक ही फर्नीचर था उसको फिट करने का। तो अराउंड 16,000 से 17,000 INR में होता है 200 यूरो, तो उतने पैसे हमने केवल उसको फिट करने के दिए थे। ये प्लम्बर वाला काम तो हमने पहले नहीं किया था कभी भी, तो अभी कुछ दिन पहले ही वॉशिंग मशीन का पूरा पानी बेसिन के सिंक में पूरा आ गया और वहाँ से ओवरफ्लो होके मेरे पूरे बाथरूम से लेके हॉल तक के आ गया था। मैं अचानक देखी कुछ कचरा उसमें फंसा हुआ था, मैं तो ऐसे सर पकड़ के बैठ गई, और शाम हो रही थी अब कि अब क्या करेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे। फिर जैसे तैसे हमने कहीं से टूल्स अरेंज किए और उसके बाद उसको नीचे से खोला बेसिन को, और उसका कचरा साफ किया, और उसके बाद प्रॉपर से फिर पानी का फ्लो शुरू हो गया। यहाँ पर आप अपने आप बहुत सारी चीज़ें रहते रहते सीखना ही पड़ेगा आपको। इंडिया की तरह नहीं है यहाँ पे कि अचानक से फ़ोन किया, भैया आ जाओ ना, थोड़ा सा नल बिगड़ गया है बना दो, कि लाइट बिगड़ गई है थोड़ा सा ठीक कर दो, ऐसा यहाँ पे नहीं है। अब अगला पॉइंट आ जाता है फूड का। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप फूडी तो होंगे ही, तो यहाँ पर हर दूसरे स्टेप में आपको इंडियन फूड मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूंगी, तो मैं बहुत फूडी हूँ, इंडिया में मैं बहुत फूडी थी, मतलब मैं शाम को तो डेफिनेटली स्ट्रीट फूड खाने जाती थी, कि कभी बड़ा पाव खा रहे हैं, कभी दाबेली खा रहे हैं, कभी पानी पूरी खा रहे हैं, कभी चाट खा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बहुत मिस करेंगे एक टाइम के बाद। स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर, लेकिन अगर आप एकदम प्योर इंडियन है और फूडी इंडियन है, तो डेफिनेटली इस चीज़ को आप बहुत मिस करेंगे सम टाइम। साथ ही अगला स्ट्रगल आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी कि जब आप नए नए यहाँ पर आते हैं तो आपको फ्रेंड्स बनाने के लिए यहाँ पे स्ट्रगल डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी कोई ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है, ऐसी कोई कंपनी आप ज्वाइन किए हुए हैं पहले से, अगर जानते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं जानते, अगर आप यहाँ पे नए नए आए हैं, तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा और थोड़ा स्ट्रगल उसमें करना
करना पड़ेगा। और अगर आप लकी हैं तो आपको सच में यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो फैमिली की तरह होंगे, लेकिन अगर आप लकी नहीं है तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी आपके साथ होगा, क्योंकि फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप रहते रहते लोगों को जान पाते हैं, एक समय के बाद जान पाते हैं एक्चुअल शेड कैसा है इंसान का, और तब आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो पाती है एक टाइम के बाद। तो ये भी एक मेंटली स्ट्रेस होता है यहाँ पे, क्योंकि आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं तो आपको लगता है कि फ्रेंड्स अच्छे बने जिनके साथ हम थोड़े कंफर्टेबल हों, अपने मन की बात शेयर कर सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। अब अगला स्ट्रगल आ जाता है लैंग्वेज बैरियर का, क्योंकि यूरोप में बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज चलता है। तो अगर आप ऐसे कोई कंट्री में गए हैं जहाँ इंग्लिश के अलावा डिफरेंट लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है उस कंट्री का, तो आपको ना चाहते हुए भी वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जाते ही तो तुरंत नहीं सीख सकते ना। तो आप कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं या कोई पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं या फिर कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आपको ना थोड़ा सा स्ट्रगल वहाँ पर होगा, मेंटली स्ट्रगल होगा, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज आती नहीं तो ऊपर से निकल जाता है जब वो बोलते हैं। जैसे कि हम ऑस्ट्रिया में यहाँ पर रहते हैं तो ऑस्ट्रिया का ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं जर्मन सीख के आई थी, फिर भी मुझे जर्मन समझ नहीं आता था, वो मैंने एकदम बेसिक लेवल का जर्मन सीखा हुआ था। तो जब मैं किसी शॉप में जाती थी तो ये लोग इतना फास्ट जर्मन बोलते हैं ना कि ऐसे ऊपर से निकल जाता है, क्या है बोले कुछ समझ नहीं आता। फिर धीरे धीरे रहते रहते टाइम के साथ हमने आगे का लेवल पढ़ाई किया तो कुछ समझ आने लगा। अभी भी स्टिल कोई बहुत स्पीड से जर्मन बोलता है ना तो समझ नहीं आता, थोड़ा धीरे धीरे बोलने से समझ पाते हैं हम। अब अगला पॉइंट आ जाता है होम सिकनेस का। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे रहते हुए डेफिनेटली फील होगी। स्टार्टिंग में तो चलो आप आए हैं तो घूमे इधर उधर घूमने चले गए तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको घर की बहुत याद आएगी, आपके पेरेंट्स की याद आएगी, मम्मी की याद आएगी, और ख़ासकर जब अगर आप बीमार पड़े हुए हैं या बहुत लो फील कर रहे हैं तो उस समय पे आपको अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है कि हमारी मम्मी होती तो ये करती या पापा होते तो ये करते, या फिर कुछ त्यौहार है जैसे कि दिवाली है और होली है, तो इस टाइप के फेस्टिवल जब आते हैं तो हम डेफिनेटली अपने घर को बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। साथ ही देखते देखते कई लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, इस महीने इसकी शादी हुई, उस महीने उसकी शादी हुई, देखते हैं आप कि आप शादी में नहीं जा पा रहे और वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा याद आती है घर की। साथ ही यहाँ पर आपको अपने बच्चों का टेक केयर खुद ही करना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप दादी के यहाँ छोड़ दिए, नानी के यहाँ छोड़ दिए, इंडिया में ऐसा चल रहा है ना, वैसा बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी सीन नहीं। कभी कभी आप किसी फ्रेंड्स के यहाँ छोड़ सकते हैं या कुछ इमरजेंसी है तो किसी के यहाँ, लेकिन हमेशा नहीं, आपको अपने बच्चों का टेक केयर खुद ही करना है। चाहे आपको कुछ भी लग रहा है, अगर आपकी तबीयत भी ख़राब है तो भी बच्चों के लिए आपको कुक करना ही पड़ेगा, उनका ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके का फिज़िकली और मेंटली स्ट्रेस यहाँ पर है, जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है कि आपके बच्चों का टेक केयर कर सके। तो जब आप फैमिली से इंडिया से दूर हैं तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। यहाँ पर एक चीज़ और आप फील करेंगे रहते हुए कि जो बच्चे हैं यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें थोड़ा ना लेट से सीखते हैं, क्योंकि इंडिया में हमारे पास पूरा क्राउड रहता है, फैमिली होती है, दादा दादी रहते हैं, चाचा चाची नाना नानी सब वहीं पे हैं आपके, तो वहाँ पर बच्चे ना एक सर्कल में जब होते हैं तो बहुत जल्दी चीज़ें जल्दी कैच करते हैं और सीखते हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर रहते हुए फील होगा कि फैमिली कितना ज़्यादा मैटर करता है। साथ ही यहाँ पर जब आप बाहर रहते हैं और कोई ठंडी जगह में रहते हैं, जैसे कि हम अभी यहाँ ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं, तो यहाँ 6 महीने ना लगभग कंटिन्यूसली ठंड पड़ती है, तो जब विंटर का समय आता है तो एक तो शाम यहाँ बहुत जल्दी हो जाती है, 4 बजे बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, और सुबह भी थोड़ी लेट से होती है, और कई कई दिन तक की तो धूप भी नहीं आता है यहाँ पर, मतलब डिप्रेसिव वेदर कहेंगे इसको, विंटर जो यहाँ पर होता है विदेशों में, तो ये विंटर डिप्रेशन भी यहाँ पर आपको फील होगा रहते हुए। साथ ही यहाँ पर आपको शॉपिंग स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 बजे ना सब कुछ बंद हो जाता है, जैसे कि हमारे इंडिया में 10 बजे रात तक सब खुला रहता है और हम शॉपिंग करते रहते हैं, और दिवाली के समय तो पूरी रात खुली रहती है शॉप, तो हम आराम से शॉपिंग करते हैं, घूम घूम के शॉपिंग करते हैं, खा पी के शॉपिंग करते हैं, तो वैसा यहाँ पे है, बट 6 बजे के बाद तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो जब समर रहता है ना तो इस चीज़ में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि समर में तो 9 बजे 10 बजे रात तक की यहाँ पे धूप रहती है, तो आप घर से ही लेट से कई बार निकलते हैं, तब तक कि आपकी सारी शॉप बंद हो जाएगी जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो।
इतनी सारी बातें सुनने के बाद, इतना कुछ मैंने जो बताया कि हम मेंटली और फिजिकली कितनी सारी चीज़ें स्ट्रगल यहाँ पर करते हैं, कितना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पर रहते हुए, तो आप मेरी बात सुन के कहेंगे कि आप बाहर क्यों रह रहे हैं जब इतना कुछ है वहाँ पर। तो बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसके कारण लोग बाहर आते हैं और बाहर रहते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है बाहर रहने का फाइनेंशियल बेनिफिट। बट ऑब्वियस है कि आपको फाइनेंशली यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, तभी आप बाहर आते हैं जॉब करने के लिए और अपनी फैमिली से, अपनी कंट्री से दूर रहते हैं यहाँ पर आके। तो फाइनेंशियल बेनिफिट पहला रीज़न है यहाँ पर बाहर रहने का। और अगला पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ दोनों को सेपरेट रख के काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ऐसा यहाँ पर नहीं है। अगला पॉइंट है रहने का कि फ्रीडम है। यहाँ पर आप कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आपको कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है, आपको कोई ताका झांकी करने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपने क्या पहना है, क्या खाया है, आपके घर में क्या हो रहा है, इस तरीके का इंटरफेरेंस यहाँ पर कोई करने वाला नहीं है। आप फ्री हो कुछ भी पहनने के लिए, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए। साथ ही यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, जैसे कि यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ये भी एक फैक्टर है कि आप बाहर रहते हैं, सब चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का और प्योर मिलता है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर ह्यूमन लाइफ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पे जनसंख्या कम है, जैसे कि हमारे इंडिया के कंपेयर में हम कंपेयर करते हैं तो जनसंख्या कम जहाँ पे भी होगी वहाँ पे डेफिनेटली ह्यूमन लाइफ की बहुत वैल्यू होगी। साथ ही अगला पॉइंट है यहाँ पे रहने का कि यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, मतलब हर किसी के लिए रिस्पेक्ट है यहाँ पर। अगर आप किसी भी पोस्ट में हैं यहाँ पर, अगर आप किसी शॉप में जॉब कर रहे हैं या किसी बड़े पोस्ट में हैं, सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट है यहाँ पर। कोई किसी की इंसल्ट कर रहा है, किसी की बेइज्जती कर रहा है, किसी को लेट डाउन कर रहा है, ऐसा यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट केयर करती है और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए, बेबी के लिए दी जाती हैं और मदर को दी जाती हैं, ताकि यहाँ पर हम बहुत अच्छे से बच्चों का टेक केयर कर सकें। तो हम भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं अभी यहाँ पर, उनकी लाइफ का कुछ डार्क ट्रूथ मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्या क्या मेंटली स्ट्रगल और फिजिकली स्ट्रगल हमें यहाँ पे करना पड़ता है। साथ ही मैंने पॉजिटिव बातें भी बताई कि क्यों आखिर हम यहाँ पर हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, कौन सी बातें मेरी आपको अच्छी लगी और कौन सी बातें आपको मेरी अच्छी नहीं लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी चीज़ टॉपिक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।